हुआ क्या कि मैं उस समय ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था और जब मैं घर पहुंचता था तो मेरे फादर के ऑक्सीजन लगी हुई थी, उनके लंग्स डैमेज हो गए थे, ठीक है, पता नहीं गलत मतलब ट्रीटमेंट की वजह से हुए थे या क्या रीजन था, आई डोंट नो, उनके लंग्स डैमेज हो गए थे। और 6 साल 2010 से लेकर के 2016 तक उन्होंने केवल और केवल वो पूरा समय बेड पे ही रहे। चलते थे तो सांस भरने लगती थी, इतना बड़ा ऑक्सीजन का सिलेंडर उनके साथ चलता था, एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता था जो ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड कराता था, कभी वो होता था, बाहर उनके घूमने की इच्छा होती थी कि यार मैं बाहर घूम लूं, तो भी ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के हमें जाना पड़ता था। तो कसम से कह रहा हूं मैं, लिटरली मैं मतलब क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। जब मैं घर पहुंचता था, बेसिकली मैं तुम्हें बता दूं कि वो बहुत बड़े एडवोकेट थे, ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट में, लेकिन एक अच्छा खासा चलता फिरता इंसान, ऑल ऑफ सडन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, हम लोगों को समझ में नहीं आया, उनके लंग्स डैमेज हो गए और वो सीधे ऑक्सीजन पे चले गए। और 6 साल उन्होंने 2010 से लेके 2016 तक बिस्तर पे ही रहे, बहुत कम उनका मूवमेंट हो गया था। जब मैं आता था तो जानते हो मुझसे क्या कहते थे, आज तेरी क्लास में कितने बच्चे थे? तो मेरी क्लास में क्या होता था बेटा, ऑफिशियल स्ट्रेंथ क्या होती थी, मतलब 200 समथिंग की होती थी, और बच्चे अक्सर 300 प्लस, 350 प्लस, 400 तक उसमें घुस करके बैठ जाते थे, मुड्ढा कुर्सी लेकर के बैठ जाते थे। आप बिलीव करोगे, 1x1 की स्पेस पे रह करके मैं इस तरह से खड़े होकर के, बस इतने से बोर्ड पे खड़े होकर के मैं पूरी लाइन पढ़ा देता था। क्यों? इधर भी बच्चा बैठा होता था, इधर भी बच्चा बैठा होता था, ना मैं इधर हिल सकता था ना मैं इधर जा सकता था, पूरी क्लास खचाखच भरी हुई होती थी, भयानक वाली। अब जब मैं घर पहुंचता था तो बोलते थे आज कितने बच्चे हुए तेरी क्लास में, फिर मैं उनको बताता था, वो सुनकर के बहुत खुश होते थे, उनकी उन आंखों में चमक आ जाती थी, और वो चमक देखने में मुझे कितना सुख प्राप्त होता था मैं ही जानता हूं। यकीन मानो जब वो वेंटिलेटर पे थे तो मैंने अपने ईश्वर से सिर्फ एक ही बात बोली कि हे प्रभु मुझे कुछ समय दे दो कि मैं इनको वो सारी खुशियां दे दूं जो मैं दे सकता हूं। मैंने पूरे घर को आईसीयू बना करके रख दिया था, एक तरह से उनका जो पूरा रूम था उसको आईसीयू बना करके रख दिया था, उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर, उसे बाईपैप, उसे उनकी बीपी नापने की मशीन, शुगर नापने की मशीन, और जिन जिन चीजों की उनको जरूरत थी मैं सारी चीजें उनके लिए मैंने प्रोवाइड कराई। एक बच्चे की हैसियत से अगर मैं बात करूं तो बच्चे की ख्वाहिश होती है कि उसकी कमाए हुए पैसे उसके पिता के खाने पहनने ओढ़ने पे खर्च हो, घूमने फिरने पे खर्च हो, तीरथ जाए वहां पे खर्च हो। ये एक थोड़ा सा मेरे लिए दुख था कि वो सारा पैसा बीमारी पे खर्च हो रहा था, लेकिन जानते हो दिल में एक सुकून क्या था, दिल में एक सुकून था कि ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने पिता की उस लेवल पे जाके सेवा कर पा रहा था जिस लेवल पे सेवा करना बड़ा मुश्किल था फाइनेंशियली, मैं उस लेवल पे जाके भी उनकी सेवा कर पा रहा था। और वैसे तो कहते हैं सच तो यही है कि जिसकी जितनी सांसें लिखी होती हैं उसको उतनी सांसें मिलती हैं, लेकिन यकीन मानिए वो 6 साल उनके सिर्फ इसीलिए खिंच गए किसी तरह से कि मैंने उनके लिए वो सब कुछ करने की कोशिश की मेडिकली, जो जो मैं उनके लिए कर सकता था, जिसके सहारे उनकी लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। तकलीफ में तो बहुत थे, सोचो अगर कोई इंसान चल रहा है और सांस नहीं ले पा रहा है, सोचो उसको कितनी घुटन महसूस होती होगी, एक एक पल उसका चलना दूभर हो जाता है। उस मोमेंट में भी वो खिलखिला के मुस्कुरा करके मेरी, क्या कहते हैं, वो वीडियो जो यूट्यूब पे उस समय आते थे, उस समय ऑनलाइन का बहुत ज्यादा चलन नहीं था, तो यूट्यूब पे कभी मेरी क्लासेस के वीडियो आ जाते थे, कभी कुछ होता था, देखते थे अच्छा इतनी गैदरिंग है तेरी क्लास में, इतनी भीड़ आती है तेरी क्लास में, बड़े खुश होते थे, बहुत खुश होते थे, मेरी जो भी ग्रोथ होती थी उसको देख करके बड़े खुश होते थे। मिस करता हूं आज भी,
ये बहुत ही खुशी है, मतलब सौभाग्य की बात होती है बेटा बच्चों के लिए कि उनको अपने फादर मदर की सेवा करने का मौका मिल जाए। बहुत मुश्किल होता है बेटा जीवन में, नहीं मिलता बेटा ये सौभाग्य हर एक बच्चे को मिले ना, बड़ा मुश्किल होता है कि मतलब आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पा रहे हो। बहुत आसान होता है बेटा गलतियां कर लेना, लेकिन अब क्या बोलूं, आई हैव नो वर्ड्स, लेकिन सच कहूं तो बड़ा खुशकिस्मती होती है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के काम आ जाओ। गलतियां तो हमारे से हो जाती हैं पेरेंट्स के सामने, लेकिन अगर कुछ उनके लिए करने का मौका मिले ना तो करो यार। मतलब वो बहुत बदकिस्मत होते हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कर पाए। उनको कुछ नहीं चाहिए तुमसे सिवाय तुम्हारी ग्रोथ के, वो तुमसे एक पैसा नहीं मांगते, उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो तुमसे इतना सा चाहते हैं कि तुम कुछ बन जाओ। और इसके लिए कोई अपनी बकरी बेच रहा है, कोई अपनी गाय बेच रहा है, कोई अपनी जमीन बेच रहा है। जानते हो एक ऐसे भी फादर थे जो मैंने अभी देखा वहां पे, उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन जब बच्चा सेलेक्ट हो गया और उसको वहां पे उसकी फोटो खिंच रही है और वहां पे उसको गिफ्ट मिल रहा है, इतना मान सम्मान मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कहने के लिए उनके आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन यकीन मानो मैंने उनकी बुझी हुई आंखों में भी जबरदस्त रोशनी देखी, जबरदस्त रोशनी देखी। तो अगर तुम चाहते हो कि वही चमक तुम्हें अपने माता पिता की आंखों में भी दिखाई दे, तो बड़ा एक बात बोलूं, कुछ ऐसा कर जाओ कि जिंदगी में तुम्हें सब फॉलो करना शुरू कर दे। फॉलोअर मत बनो, ऐसा बनो कि तुम्हें सिर्फ फॉलो करना शुरू कर दे। कुछ एक एग्जांपल सेट कर जाओ, इतिहास बना जाओ कि लोग तुम्हारे नाम की मिसाल दें। इंतजार करूंगा हमेशा तुम्हारा विक्ट्री सेलिब्रेशन में, ये बात ध्यान रखना।